Alright guys, welcome to our YouTube channel E-Sabak, myself Sultan Adil, and you are watching our YouTube channel E-Sabak. So guys, आज का जो हमारा lecture है वो introduction lecture है, और इस introduction lecture में मैं आपको तीन चार चीज़ें बताने वाला हूँ. सबसे पहली चीज़ ये है कि हम आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी जो सिक्स क्लास सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट जो है सोशल साइंस का सिक्स क्लास का, उस पर हम एक लेक्चर सीरीज़ बनाने वाले हैं. ये हमारा पहला पॉइंट है, यानी हमारी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी. इसके अंदर हम जितने भी चैप्टर हैं उन सब चैप्टर को हम डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं, और फिर उनके जितने भी एक्सरसाइज हैं वो हम पढ़ेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, ठीक है ना, जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं. और जो इम्पॉर्टेंट जो हमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आते रहेंगे वो हम आपको क्लियर करते जाएंगे, ताकि आपको आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए भी उसका फ़ायदेमंद हो, और जो आपको फ्यूचर में जब आप हायर क्लासेस में जाओगे फिर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप में यानी MCQ में मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं उस टाइप में जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके अगर कंसेप्ट आज से क्लियर हुए, यहाँ से यानी बेस आपका क्लियर हुआ, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर सकते हो. यानी हमारे दो मिशन हैं. पहला मिशन, जो आपका बॉस है यानी जो आपका जेके बॉस है जो आपको एग्ज़ाम लेता है, जो आपका एंड क्लास एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, और आप 99% इवन कि आप 100% मार्क्स लेकर आ सको अगर आप अच्छी तरह यहाँ पर अंडरस्टैंड करोगे. ये हमारा मिशन है. दूसरा हमारा मिशन है कि फ्यूचर में आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, चाहे आपके जॉब हो, चाहे आप किसी भी अदारे का आप एंट्रेंस दोगे, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप एंट्रेंस दोगे, तो वहाँ पर आपको यहाँ से अगर आपके क्लियर हुए कंसेप्ट पॉलिटिकल को लेकर, जो आपकी सिविक्स है उसके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर अगर आपके क्लियर हुए, तो आपको आज से अगर क्लियर हुए तो वहाँ पर आपको हेल्प देंगे बहुत ज़्यादा, और आप आसानी से कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो. दूसरा जो हमारा आज का पॉइंट है वो ये है कि हमने ऑलरेडी जो क्लास 8 है उसकी जो यानी सोशल पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल साइंस का पार्ट थर्ड जो हमारा आता है, वो हमने उसकी एक अलग सीरीज़ हमने बनाई है. लगभग 52 लेक्चर उसके बने, और वो सब हमने कंप्लीट कर दिए. उसमें हमने पहले T2 लिया, फिर हमने T1 यानी जो Term 1 है वहाँ से, फिर U1, U3 सब हमने कंप्लीट किए. यानी पहले Chapter 9 हमने पढ़ा, फिर जो दूसरे पढ़े वो आप जाकर, अगर आप जो क्लास 8th के जो स्टूडेंट हैं अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आप जाओ और अपनी क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस पे जो हमने बनाई हैं RD सीरीज़ वो आपके आप देखो और आप उससे फ़ायदा उठाओ, क्योंकि वो आपको दोनों चीज़ों में फ़ायदा देगा. आपको आपके जो जेके बॉस का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल होंगे, और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ताकि जिसमें आप कंपिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो वो भी आप इन लेक्चर को देख सकते हो और इनसे फ़ायदा उठा सकते हो. और जो तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि जो हम ये लेक्चर सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज़ में एक एक जो यूनिट होगा हमारा, उस एक एक यूनिट के ऊपर हमारे लगभग तीन से चार वीडियोस बनेंगी, और इन तीन से चार वीडियोस के अंदर हम जितने भी कंसेप्ट हैं वो हम डिटेल्ड में समझेंगे. एक एक वीडियो लगभग 20 मिनट से 30 मिनट तक हो सकती है, या फिर 15 मिनट की भी हो सकती है. तो हम देखेंगे कि टॉपिक कैसा है. जो आपको बहुत मुझे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा वो मैं आपको डिटेल्ड में, और मैं आपको वो बहुत ही माइन्यूटली तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना. ये और चौथा जो पॉइंट है वो ये है, वो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारा जो ये लेक्चर सीरीज़ है इसको आप अच्छी, जब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आप इसको लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो हमारी वीडियोज़ जो आप देखोगे या जो आप देख रहे हो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए. ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम मज़ीद और भी जो दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर हम मज़ीद वीडियो लेकर आ सकें. सो आज के लिए हम इतना ही इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर आपको बताना चाहते हैं. बाकी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे दूसरा जो हमारा, ये जो हमारा पहला चैप्टर है सोशल साइंस का, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और में हम फिर उसके अंदर पढ़ेंगे जो जो हमारे कंसेप्ट हैं. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.